Hello, good evening everyone. This is Dr. Nadeem here. Today we will discussion about bacteria Salmonella typhi. Previous lecture में हमने discuss की थी gram positive and gram negative bacteria के अंदर differentiation, और हमने उसको comprehensively पढ़ा था. अब हम individually एक bacteria पढ़ेंगे Salmonella typhi, जिससे typhoid होता है और बहुत सारे doctors treatment भी देते हैं typhoid के patient को, और बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कॉज होती हैं टाइफाइड के अंदर. आज हम उसकी डेफिनेशन, कॉज, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और प्रोफाइलोजिस, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बैक्टीरियोलॉजी का हमारा एक टॉपिक होगा. बैक्टीरियोलॉजी में हमारा टॉपिक है, टुडे इज आवर टॉपिक इज सलमोनेला. दिस इज द जीनस टाइफीज स्पीशीज. तो सलमोनेला बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सलमोनेला मंगोरी भी होता है, सलमोनेला टाइफाइड भी होता है, सलमोनेला एंट्रिका भी होता है. तो हम जस्ट सलमोनेला को हम पढ़ने जा रहे हैं, सलमोनेला को पढ़ने जा रहे हैं हम. तो मैं आपको कुछ थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूँ. सलमोनेला एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है. कल हमने पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ा था. तो सलमोनेला एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ये एक मोटिलिटी भी रखता है, यानी मूव भी करता है. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बैक्टीरियाज की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी कि उसकी सेल वॉल कैसे होती है और वो फ्लैजिला होता है, उसके अंदर एम्फीट्राइकस हो सकता है, लोफोट्राइकस हो सकता है. हमने ये सब पढ़ा था, आपको रिमाइंड करने की नीड है. अब ये सब दिमाग में आपके आएगा कि मोटिलिटी अगर होगी तो ये चीज़ होगी. और अब हम बात करेंगे इस चीज़ में कि सलमोनेला के स्पीशीज कितने होते हैं, कितने टाइप का सलमोनेला टाइफी होता है. अब हम मैं बात करता हूँ सलमोनेला क्या है. एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है सलमोनेला. एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और सलमोनेला की 6 स्पीशीज होती हैं. तो अब हम इसको देखते हैं कि सलमोनेला एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करता है. सलमोनेला टाइफाइड कॉज करता है, सलमोनेला एंट्रिका फीवर, एंट्रिक फीवर भी कॉज करता है. सलमोनेला एक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन कॉज करता है. एंट्रिका से मीन समझ रहे हैं आप, एंट्रिका से मीन्स है आपके इंटेस्टाइनल से रिलेटेड जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शन जो होती है, जो उसकी एंडोटॉक्सिन्स होती है, वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर जाने के बाद इन्फेक्शन को कोस करती है. तो ये सब चीज़ इसमें होती है. अब हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि सलमोनेला के बारे में, ये क्या है, एंट्रोबैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करता है. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है. फैमिली जैसे हमारी भी कोई फैमिली होती है, बहुत सारे नाम हैं, खान, पठान, कश्यप, इस तरीके से हमारी भी फैमिलीज होती हैं, कौम होती हैं, कास्ट सिस्टम होता है, ऐसी बैक्टीरियाज में भी होता है. तो ये एंटीरियो बैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है. स्पीशीज इसकी 6 होती हैं. ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, टॉपिक हमारा सलमोनेला है. तो हम यहाँ से डिस्कस करनी शुरू कर रहे हैं. बहुत कोई भी जल्दी नहीं है, बहुत सोच समझ के इसको पढ़ने की ज़रूरत है. सलमोनेला की कितनी 6 स्पीशीज होती हैं, ठीक है. मैं 2-3 में मंगोरी भी है, मंगोरी है और टाइफी है, एंट्रिका और बहुत सारे सीरोटाइप्स भी होते हैं. सलमोनेला का साइज़ की बात में, लेट्स वी टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो साइज जो सलमोनेला का है 0.7 से लेकर के 1.5 माइक्रोलीटर, माइक्रोमीटर से 2.2 से 5 माइक्रोमीटर तक डायमीटर तक होता है. सलमोनेला का साइज अगर हम बात करें तो 0.7 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर या डायमीटर में होता है और 2.2 से लेकर के 5 डायमीटर में होता है. और इसके फिर हम पेरिट्राइकस है, क्या है, पेरिट्राइकस. पेरिट्राइकस मैंने आपको बताया था, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, दीज टर्म्स वर वी विल यूज्ड इन प्रीवियस लेक्चर. हमने डिस्कस की थी पेरिट्राइकस में, हमने ये डिस्कस की थी पहले प्रीवियस लेक्चर में. फ्लैजिलेटेड है,
फ्लैजिलेटेड है, तो यानी बैक्टीरिया है उसके पेरिट्राइकस तो है लेकिन फ्लैजिलेटेड है, मतलब मूव कर रहा है, फ्लैजिला है उसके अंदर, फ्लैजिला है उसके अंदर, फ्लैजिला है। तो अब हम इसमें समझने का क्या ज़रूरत है, हमने इतना इसको समझ लिया डीपली कि सल्मोनेला के अंदर जो है 6 सीरोटाइप्स है, 6 स्पीशीज़ है, इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर भी है और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जो है स्पीशीज़ है और एंटेरियोबैक्टेरिसी फैमिली से बिलोंग करती है। एंटेरियोबैक्टेरिसी फैमिली का मतलब है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर कॉज करती है। तो सपोज दैट अगर हमने कोई फूड है, कोई फूड हमने इंगल्फ किया और उसके अंदर सेल्मोनेला टाइफी की इन्फेक्शन थी, वो फूड हमारे ईसोफेगस के थ्रू अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद फिर क्या होगा, ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाएगी, स्टोमक में जो है सेल रेसिस्टेंस है तो उस पर वो काम नहीं करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगी, अपना टॉक्सिन्स वो रिलीज कर देगी, ठीक है, इन्वेड करेगी हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को, जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन है हमारी, तो इंटेस्टाइन के अंदर ये इन्वेड करेगी और टॉक्सिन्स जो है रिलीज होगा इसमें, और रिलीज करेगी इन्फ्लामेटरी साइटोकिन रिलीज करेगी जो एंटीरियोटाइटिस कर देगा। एंटीरियोटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन, आंतों के अंदर सूजन हो जाना। दिस टर्म्स वॉज यूज्ड फॉर द एंट्रोटाइटिस यानी इंटेस्टाइन के अंदर सूजन हो जाना। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया गया है जो इंटेस्टाइन की सेल वॉल है, म्यूकोसा है, उसको अफेक्ट किया है, यहाँ से साइटोकिन रिलीज हुई है। साइटोकिन रिलीज होने के बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर अल्सरेशन हो जाएगी, देख रहे हो ये घाव से हो जाएंगे, साइटोकिन अल्सरेशन हो जाएगी, इसकी वजह से आपको ब्लडी स्टूल आएगा, स्टोमक क्रैम्प होंगे यानी पेट में बहुत ऐंठन टाइप का और बहुत तेज दर्द, अनबियरेबल पेन भी हो सकता है, और इसके अलावा डायरिया कॉमनली सिम्टम्स है, इसके अलावा फीवर के अलावा क्या और क्या दिक्कत हो सकती है, फीवर के अलावा और क्या शिकायत हो सकती है, यू कैन सी वॉमिटिंग, इसके अलावा चिल, हेडेक। तो हमने इस चीज़ में ये चीज़ देखा है कि हमने बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सल्मोनेला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सल्मोनेला जो है एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इसकी 6 स्पीशीज़ हैं और जिसमें से कुछ मैं शॉर्टली आपको स्पीशीज बता दूं, सल्मोनेला बंगोरी, सल्मोनेला टाइफी, एंट्रिका, एंट्रोबैक्टेरिसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें हम, पेरिट्राइकस है, फ्लैजिलेटेड है और इसके बाद ये मूव कर सकता है बैक्टीरिया वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका साइज जो है 0.7 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर तक है और 2.2 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक है। तो इसका मॉर्फोलॉजी हो गया हमने, यानी डेफिनेशन डिस्कस की और हमने फिर मॉर्फोलॉजी डिस्कस की, उसके बाद में हम सिम्टम्स यानी पैथोजेनेसिस हमने बात बताई। पैथोजेनेसिस कैसे होती है, कि हम फूड लेंगे, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हम इंगल्फ कर लेंगे, उसके बाद में ईसोफेगस के थ्रू जाएगा और उसके बाद में ये बैक्टीरिया साइटोकिन रिलीज करेगा, साइटोकिन रिलीज करने के बाद में अल्सरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, सिम्टम्स इसके अंदर आपको दिखेंगे, यू कैन माइट बी फील फीवर, ब्लडी स्टूल, टॉयलेट में खून आ जाना, स्टोमक क्रैम्प, बहुत तेज दर्द, डायरिया बार बार, लूजी स्टूल, वॉमिटिंग, चिल, झाड़ा, हेडेक। तो ये सब क्या था, दीज आर ऑल सिम्टम्स। तो हमने सिम्टम्स भी डिस्कस किए इधर, पैथोजेनेसिस डिस्कस की। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। देखो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि हमें बैक्टीरियोलॉजी ख़त्म करनी है। एक बैक्टीरिया में एक अंदाजे से आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, एनीवन कैन गेस? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रॉ मीट। भाई रॉ मीट सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। कच्चा गोश्त आदमी जो खा रहा है, पोर्क का हो, बीफ का हो, बफलो का हो, चिकन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, जो भी नॉनवेज आप लोग यूज करते हैं, खाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है रॉ मीट। इसके अलावा पोल्ट्री, दैट मीन फार्मिंग, मुर्गा,
फार्मिंग वगैरह जहाँ होती है, चिकन वगैरह सब ये बनता है। इसके अलावा सी फूड भी एक मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है सी फिश में। ऑक्टोपस कौन कौन खाता है? ऑक्टोपस, फिश, टूना, सैलमॉन, फिश सी फूड के अंदर ये दीज आर ऑल इंक्लूड इन सी फूड। ऑक्टोपस, फिश, टूना, सैलमॉन सी फूड के अंदर ये सब आता है। केकड़ा वगैरह जो ये सब खाते हैं, ये वियतनामी और जो है फिलिपिनी बहुत खाते हैं ये सब, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एंडेमिक भी रहता है। इसके अलावा फ्रूट, यस, अगर आप फ्रूट धो करके वॉश करके नहीं खाएंगे तो भी ये इन्फेक्शंस दैट कैन बी रीच इनसाइड योर स्टोमक एंड कॉज टाइफॉइड। फ्रूट्स, अनहाइजीन फ्रूट्स, कंटामिनेटेड वाटर भी आपको यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। वेजिटेबल भी। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में हम रो मीट, पोल्ट्री, सी फूड, फ्रूट, कंटामिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल, ये सब क्या कर सकती है, दीज आर ऑल इन्फेक्टिव सोर्स ऑफ टाइफॉइड यानी सलमोनेला। ये सलमोनेला की एक इन्फेक्टिव फॉर्म्स है। आज तो यूनिवर्सिटी वाला पढ़ा रहा है तेज। यूनिवर्सिटी वाला कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? नहीं, फीवर वीवर ये नहीं, ये दीज आर ऑल सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इतना होने के बाद में? डिहाइड्रेशन, दैट मीन द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी एंड डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, नमक, चीनी, पानी की कमी हो जाना, दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सोडियम की कमी, पोटेशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, वाटर की कमी पानी के अंदर, क्योंकि ये सारा बॉडी 70% जो है पानी से बनी हुई है, तो इन सब की कमी हो जाना, दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन होने की चांसेस है। जब भी तो टाइफाइड में फिर फ्लूट्स वगैरह देते हैं पेशेंट को। डिहाइड्रेशन के अलावा क्या क्या, बैक्टीरिमिया टर्म्स जानते हैं आप? बैक्टीरिमिया, मिया मतलब इनसाइड द ब्लड, बैक्टीरिया मतलब ब्लड, यानी बैक्टीरिया ब्लड के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर हो जाना, RBCs के ऊपर बैक्टीरिया बहुत सारे हो जाना, RBC, दिस इज कॉल्ड द बैक्टीरिमिया। पहले डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन में डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, एंड फिर उसके बाद बैक्टीरिमिया यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ब्लड, ये तो हो गया दूसरा टर्म्स। उसके बाद में अर्थराइटिस, तो ये क्या है, इन्फ्लामेशंस ऑफ जॉइंट्स, यानी ये टर्म्स हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म्स हैं, तो ये आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ थोड़े से टर्म्स बता देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस भी सीखते रहना चाहिए। देखो, जहाँ मियाँ लग गया ना भाई, मियाँ गलत मत लेना, ठीक है, बैक्टीरिमिया तो यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिमिया यानी बैक्टीरिया का ब्लड में इन्फेक्शन, वायरीमिया वायरस का इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद मगेली जहां लग जाता है ना, तो वहां इनलार्जमेंट को इंडिकेट करता है, इनलार्जमेंट, ठीक है, इनलार्जमेंट में मतलब हेपेटो मतलब लिवर, मगेली मतलब इनलार्जमेंट, लिवर के अंदर इनलार्जमेंट। जैसे कार्डियो मतलब हार्ट, मगेली मतलब इनलार्जमेंट यानी दिल का फैल जाना, दिल का बड़ा हो जाना, कार्डियोमगेली। इसी तरीके से तो ये टर्म्स हैं, जैसे अब आपने ये चीज़ सीखी, तो जैसे कुछ हाइपर मतलब हाई हो जाना, हाइपो मतलब लो, जैसे कि हाइपर ग्लाइसीमिया यानी हाई शुगर लेवल, यानी हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर लेवल, ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, ये टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, हम सीखते चलेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद में अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, डायग्नोसिस के अंदर हम क्या बात करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है,
हमको बीमारी हुई है, हमको प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन हुई है, दिक्कत है, फीवर आ रहा है, ब्लड स्टूल आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और तमाम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, अब हम कंफ्यूज हैं, पेशेंट्स हैव द मलेरिया, टाइफाइड, दिक्कत क्या है, बैक्टीरीमिया है, क्या दिक्कत है, तो हम जब तक डायग्नोस नहीं करेंगे पर्टिकुलरली किस चीज़ का इन्फेक्शन है, तब तक हम ट्रीटमेंट उसको नहीं दे सकते हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको लैब डायग्नोसिस करेंगे। तो लैब डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर जो है पहले दिन क्या करेगा, उसको दवाइयाँ खिलाएगा, नॉर्मली एंटीबायोटिक्स देगा, पैरासीटामोल वगैरह। दूसरे दिन नहीं होगा तो फिर उसके बाद थोड़ा एंटीबायोटिक ऐड कर देगा। एंटीबायोटिक ऐड करने के बाद में फिर क्या करेगा वो, उसके बाद में पेशेंट को टेस्ट रिकमेंड करेगा। तो ब्लड टेस्ट यानी डायग्नोसिस जो हम सबसे पहले करते हैं ना, ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं। ब्लड टेस्ट इज द मेजर कंपोनेंट टू डायग्नोस द इन्फेक्शंस ऑफ सल्मोनेला। तो सल्मोनेला ब्लड टेस्ट में हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं भाई? लैब वाले तो फौरन बता देंगे सर विडाल लगवा लीजिए विडाल लगवा लीजिए, क्योंकि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर आप डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर एंटीजन एंटीजन ओ और एंटीजन एच होता है, यानी सल्मोनेला में एंटीजन ओ होता है और एंटीजन एच होता है। इन दोनों के ऊपर ही हम एंटीबॉडी डालते हैं और देखते हैं, उसके बाद क्लंपिंग एग्लूटिनेशन आ जाती है, ऐसी फट सा जाता है वो, क्लंपिंग हो जाती है, तो टाइफाइड हम पॉजिटिव देते हैं, 160 टाइटर, 360 टाइटर, ये सब मैं बता दूंगा, ये कुछ भी नहीं है, ये सब सभी का पॉजिटिव आता है ये तो टेस्ट विडाल तो किसी का भी करा लो, सभी का पॉजिटिव आता है, सभी को इतना एंटीबॉडी है। नहीं नहीं, बहरहाल हमारा टॉपिक कहीं और जा रहा है। तो हम इसमें एक विडाल टेस्ट करा लेते हैं टाइफाइड के लिए, ठीक है, ब्लड टेस्ट में एक टाइफी डोट करा लेते हैं। टाइफी डोट क्या है, एक एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है, टाइफी डोट, इसमें हम टाइफी डोट में आईजीजी और आईजीएम दोनों एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं। आईजीएम एक्यूट इन्फेक्शन में और रिसेंट इन्फेक्शन में पॉजिटिव आता है, और आईजीजी ये इन्फेक्शन में आता है जो काफ़ी टाइम से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पनप रहा है उसमें, और दोनों पॉजिटिव आते हैं इन सीवियर इन्फेक्शन में, दोनों पॉजिटिव आते हैं सीवियर में। तो अगर किसी को टाइफाइड लग रहा है तो ये दो टेस्ट तो आप करा लेंगे। उसके बाद ब्लड टेस्ट में एक सीबीसी भी करा लेते हैं। सीबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन, टीएलसी में हमारा डब्ल्यूबीसी मालूम पड़ जाता है, बैक्टीरिया हो रहा है ना, तो डब्ल्यूबीसी पड़ेगी, जब बैक्टीरिया बॉडी में आएगा या वायरस आएगा तो डब्ल्यूबीसी तो लड़ती है, दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फाइट ऑफ इन्फेक्शन। तो सीबीसी के अंदर सब आ जाता है, ब्लड कितना है, खून कितना है, बन रहा नहीं बन रहा, खून में इन्फेक्शन तो नहीं, एमसीवी कितना है, एमसीएससी कितना है, टीएलसी यानी डब्ल्यूबीसी कितने हैं, ये सारी चीज़, प्लेटलेट कितने हैं, सीबीसी के अंदर ये सब आ जाता है। तो ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी भी करा लेते हैं। उसके बाद में हम एक स्टूल टेस्ट भी कराते हैं, स्टूल टेस्ट जो है भाई, घर का कोई स्टूल या बैठने वाला स्टूल नहीं है, ये टॉयलेट है, टॉयलेट को मेडिकल टर्म्स में स्टूल बोलते हैं, फीकल मटेरियल भी बोलते हैं, मैं बता दूंगा, ये आपका होमवर्क है, स्टूल में और फीकल मटेरियल में यानी फीसिस में, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आना, फीसिस किसे कहते हैं, स्टूल किसे कहते हैं। अब वो मत लाना यार कि टॉयलेट और ये, मतलब डिफ्रेंशिएट करना मेडिकल, इफ़ यू आर मेडिकल स्टूडेंट। तो इसमें जो है ना, स्टूल टेस्ट में हम करा लेते हैं, स्टूल टेस्ट का कल्चर करा लेते हैं, स्टूल का कल्चर भी करा लेते हैं, अकोल्ड ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम्स। अब उसके बाद एक ब्लड कल्चर भी कल्चर कराते हैं। कल्चर में आपको बता दूं कौन कौन से कराते हैं, एस एस आगार, बिस्मिथ सल्फाइड अगार, ये लिखना भाई ज़रूरी है, हेक्टोन एंट्रिक, ब्रिलियंट ग्रीन अगार, जाइलोज लाइसिन अगार। भाई ये समझ में नहीं आ रहा लोगों के, कल्चर क्या है भाई, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये डायग्नोसिस, हम सल्मोनेला का इन्फेक्शन है, हम उसको कैसे डायग्नोस करने वाले हैं, किस तरीके से हमें मालूम पड़ेगा कि सल्मोनेला का इन्फेक्शन है, सल्मोनेला टाइफाइड हुआ है इसको, तो हम ब्लड का सैंपल ले लेंगे, सैंपल लेने के बाद में हम उसका विडाल टेस्ट करेंगे, हम उसका टाइफी डोट लगाएंगे, सीबीसी लगाएंगे, सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी कहीं ना कहीं बड़ी भी होगी, प्लेटलेट भी ऊपर नीचे होगी, और टाइफी डोट में आईजीजी आईजीएम दोनों में से कोई ना कोई पॉजिटिव होगा,
और विडाल के अंदर भी 360 टाइटर पॉजिटिव आ रहा होगा, एंटीजन एच का और एंटीजन ओ का। किसी भी लैब पर ये लैब टेक्नीशियन टेस्ट करेगा तो इन टेस्ट में ये आपको मालूम पड़ जाएगा। स्टूल टेस्ट कराएंगे, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के, टॉयलेट के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, इससे मालूम पड़ जाएगा स्टूल के अंदर ब्लड तो नहीं है। कल्चर करा लेंगे। कल्चर क्या होता है? कल्चर एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा होता है आपका ब्लड या स्टूल या फिर स्पूटम, कुछ भी, मतलब स्पूटम की इसमें रिक्वायर्ड तो नहीं होती है, वो तो और अदर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में होती है, लेकिन यहाँ पर ब्लड का रिक्वायरमेंट या स्टूल का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए कल्चर की प्लेट है, ये प्लेट है, इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसे बैक्टीरिया को खाना चाहिए। अगर चूहा फंसते हैं ना, तो चूहा फांसते हैं तो चूहा फांसने के लिए कुछ ना कुछ रोटी वोटी का टुकड़ा हम लगाते ज़रूर हैं, देखा होगा आपने। इसी तरीके से इसमें हम बैक्टीरिया उगाएंगे, इसीलिए इसको कल्चर कहते हैं। बैक्टीरिया को उगाना, बैक्टीरिया को पैदा करना कल्चर कहलाता है। तो उसके अंदर वो न्यूट्रिशन, वो सप्लीमेंटेशन दी जाती है कि जो बैक्टीरिया को उगाने में हेल्प करती है। तो अब हमने पेशेंट का ब्लड लिया, हम इसमें ब्लड की ड्रॉप डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ब्लड लिया, इसमें डाला, और इसके अंदर क्या है भैया? इसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं, जो मैंने इतने ढेर सारे नाम लिखे थे ना, बिस्मित अगार और जाइलिन लाइसिन, जाइलो सल्फाइड अगार, ब्लड अगार, हेक्टन अगार, बहरहाल डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को उगाने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट, यानी हर किसी को हर कुछ तो पसंद नहीं होता। मुझे चिकन पसंद है, तुम्हें मटन पसंद है, किसी को वेजिटेबल पसंद है, किसी को सी फूड पसंद है, किसी को ऑरेंज वेजिटेबल पसंद है, किसी को फ्रूट पसंद है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को उगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस अवेलेबल हियर इनसाइड दिस प्लेट। तो उसमें क्या करते हैं, हमने इसमें लगा लिया, इसमें हम कोई सा भी न्यूट्रिशन लगा सकते हैं, मैंने आपको इतने ढेर सारे बताए, हेक्टन अगार भी लगा सकते हैं, लाइसिन जाइलो लाइसिन अगार भी लगा सकते हैं, ब्रिलियंट अगार भी हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रिलियंट अगार भी यूज़ कर सकते हैं, तो SS अगार, सेबरो डेक्सट्रोज अगार भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अगार बोलते हैं। न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? अगार। तो हमने इसके अंदर ब्लड डाला, अगार डाला। इसके बाद इसमें क्या होता है, बहुत गौर से समझने की चीज़ है, ज़िंदगी भर ये कॉन्सेप्ट नहीं सोचोगे वरना कल्चर कल्चर में फंसे रहोगे। ये कल्चर बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट, कल्चर प्लेट। कौन सी प्लेट? कल्चर प्लेट। ये हो गए कल्चर प्लेट। इसके अंदर न्यूट्रिशन है, कोई सा भी न्यूट्रिशन है, जोन से बैक्टीरिया उगाने के लिए डिफरेंट तरीके का न्यूट्रिशन हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे ब्लड, ब्लड हमने डाल दिया एनाकुलेटिंग लूप से, पतली पकड़ने का कुछ तो होगा भाई, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया एनाकुलेटिंग लूप, कह रहा हूँ भाई, जो भी सिरिंज वगैरह जो यूज़ करेंगे। अब ये ब्लड कोई डायरेक्ट थोड़े डाला जाता है, ये ब्लड का कलेक्शन तो ख़राब हो जाएगा, EDTA में लोगे तो प्लेन में लोगे, ये अलग अलग वाइल में लिया जाता है, ये EDTA वाइल अलग होती है, EDTA में CBC के नहीं लिया जाता सैंपल, ठीक है, और प्लेन वाइल होती है, प्लेन वाइल सीरम से जो टेस्ट लगने वाले होते हैं उनके नहीं लिया जाता, लेकिन इसके अंदर कल्चर बोटल होती है, अलग कल्चर बोटल होती है, तो उस बोटल में ही ब्लड लिया जाता है, उसके अंदर पहले से ही जो है ये सब खाना होता है इसमें बैक्टीरिया का। तो कलेक्शन जो कल्चर का जाएगा ना, वो पहले ही एक बड़ी बोटल में जाता है, ध्यान रखना, एक बोतल में कल्चर आ गया, इसको मशीन में रखेंगे, मशीन बैक्ट अलर्ट जैसी मशीन होती है, बैक्ट अलर्ट मतलब इसमें बैक्टीरिया अगर होगा तो ये अलर्ट कर देगा, अलर्ट करने के बाद ये बैक्टीरिया अब हम क्या करेंगे, इस कल्चर प्लेट में डालेंगे, इस कल्चर प्लेट में हमने डाल दिया, और उसके बाद हमने ये मशीन है एक इनक्यूबेटर मशीन, क्या है? इनक्यूबेटर है ये, इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर क्या है, 37 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी जैसा एनवायरनमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना बॉडी के अंदर हुआ है, तो हमारी बॉडी जैसा एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का इसके अंदर होना चाहिए। इस प्लेट को हम इसमें रख देते हैं, इस केबिन में रख देते हैं। अब हम उसको जो है 4 दिन में 5 दिन में जितना भी इनक्यूबेशन टाइम हुआ ग्रोथ आ जाती है इसमें। अब हमने इसको निकाल लिया, निकालने के बाद हम इसको देखते हैं। अब हमने इसको देखा तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी फफूंदी सी कलोनी आ रही हैं, कलोनी आ रही हैं, पता चला भाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये हमने इस, अब हम इस कॉलोनी को क्या करेंगे, इस कॉलोनी को हम पिकअप करेंगे एनाकुलेटिंग लूप के थ्रू। अभी रुक जाओ, तो हमारे पास ये कॉलोनी हमने तैयार कर ली, इसमें छोटी छोटी कॉलोनी आ गई हमारे पास। अब हम भैया इस कल्चर प्लेट पे से हम इसको क्या काम करेंगे, लेट्स वी एक्सट्रैक्ट, हम इनको उठा लेंगे,
एक चिमटी से हमने, इस चिमटी को हम बोल रहे हैं एनाकोलेटिंग लूप। अब हमने इसको उठा लिया, इसको उठाने के बाद में हमने स्लाइड लिया, स्लाइड पर रख दिया भाई बहुत छोटा सा, और उसके बाद हमने इसको कर लिया। अब इस पर हम ग्राम पॉजिटिव देखना है या ग्राम निगेटिव देखना है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी चीज़ें, तो ग्राम पॉजिटिव देखना है या ग्राम निगेटिव देखना है, वो सारी चीज़ें जौन सा भी हमें स्टैंड करना है। हमने ग्राम स्टैंडिंग कर दी इस पर, कौन सी स्टैंडिंग कर दी, ग्राम स्टैंड। ग्राम स्टैंड से हमें पता चल जाएगा ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव। अब हमने जो है इसको स्टैंड कर लिया डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के साथ ट्रीट करा करके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अरे भाई ये क्या बन गया, इतना बढ़िया लेंस, ये जर्मन ऑक्सफोर्ड का भाई माइक्रोस्कोप है। अब हमने देखा, अब मुझे बताइए इसमें हमने ये कल्चर लगाया है सलमोनेला का, तो हमें ये कलर कैसा दिखेगा बैक्टीरिया का, पिंक, ठीक है, कैसा दिखेगा, फ्लैजिलेटेड, यानी मूव करता हुआ, फ्लैजिलेटेड। कैसा दिखेगा, पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस। और उसके बाद कैसा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से फ्लैजिला मूव होता हुआ। तो अब हमने इसमें आइडेंटिफिकेशन कर दिया, तो ये क्या है, दीज आर ऑल कल्चर, इस तरीके से हम कल्चर लगाते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, एंड एएसटी का बारे में, एएसटी टेस्ट भी लगाते हैं, एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगी तो किस तरीके से मालूम पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है या नहीं है, वो बात की बात है, बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, इसलिए मैं, हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डीपली पढ़ेंगे, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट बताइए, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट भाई डिहाइड्रेशन को ट्रीटमेंट करेंगे, डिहाइड्रेशन को भी ट्रीट करेंगे, स्टोमक पेन को भी ट्रीट करेंगे, इसके अलावा बैक्टीरीमिया को भी ट्रीट करना होगा, बैक्टीरीमिया जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, इसके अलावा फीवर को भी ट्रीट करना पड़ेगा, वोमिटिंग को भी ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे। हमने डायग्नोसिस कर लिया पेशेंट को टाइफाइड आया है, तो हमने उसको जनरल मेडिकेशंस क्या क्या देना है भाई। सबसे पहले ट्रीटमेंट के अंदर हमें ना ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि इस इन्फेक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले कंटामिनेटेड वाटर नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, पानी उबाल करके रखें, ठंडा करके रखें, ठीक है, बॉइल वाटर। और जो है अगर इन्फेक्शन हो रखी है बॉडी में तो डॉक्टर्स को, अपने जो करीबी आपका फिजिशियन है वो आपको दिखाएं, वो आपका नाम लिखेगा, जैसे सुमित लिख दिया भाई, सुमित RX डाल देगा, उम्र कितनी भैया 30 साल, मेल, चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या हैं भाई आपकी, सर फीवर आ रहा है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, ठीक है सर, और सर अब डॉक्टर साहब ने एडवाइस की थी आपको टाइफी डॉट टेस्ट कराने की और विडाल टेस्ट कराने की और CBC, तो आपका जो है टाइफी डॉट भी पॉजिटिव आया, CBC भी सही आया, तो डॉक्टर क्या लिखेगा आपको, फीवर के नहीं आपको क्रोसिन लिख देगा, पैरासीटामोल 1 TDS, और उसके बाद में इसके अलावा एक कमज़ोरी के लिए मल्टीविटामिन लिख देगा भाई, मल्टीविटामिन 1 OD लिख देगा, एक पेट के लिए एंट्रिक्स सिस्टम्स को ठीक करने के लिए आपको रेबीमैक DSR लिख देगा, रेबीमैक DSR, जिसमें रेबीप्राजोल और डोमपिराडोन होता है। मल्टीविटामिन के अंदर दीज आर ऑल कंटेन ऑल विटामिन्स, विटामिन है B1, B6, B12। क्रोसिन इज एंटीपायरेटिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक भी लगाएगा भाई, या तो वो एंटीबायोटिक वो सेफेक्सिम की लगाएगा,
200 में बीडी, या फिर इसके अलावा जिथ्रोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन का लगा सकता है, पहले दिन नुस्खा ये देगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए वो आपको ड्रिप वगैरह भी स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि अगर उल्टी के साथ है RL 30 ड्रॉप स्टार्ट कर सकता है पर मिनट। बाकी मल्टीविटामिन इसमें MVI वगैरह डाल देगा, इंजेक्शन मोनोसेफ वगैरह शुरू कर देगा। तो दीज आर द ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट है, इस तरीके से ही करते हैं। बाकी डॉक्टर्स के अगर आप जाएंगे भाई, कंपाउंडर वम्पाउंडर बनेंगे, तो ये सब आपको मालूम पड़ेगा, वरना तो आप इसको डीपली पढ़िए भाई, मेरे फिर और अदर लेक्चर्स हैं उसको देखिएगा, अगर असली में इफ़ यू वांट टू बी ए डॉक्टर। तो ये था हमारा लेक्चर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेफेक्सिम, ऑफ्लोक्सोसिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो सेंसिटिव है, और इसके अलावा जेंटामाइसिन, सेफ्रिक्सोन, सल्बेक्टम, सिप्रोफ्लोक्सोसिन, दिस आर एंटीबायोटिक कैन यूज इन केस ऑफ द सल्मोनेला इन्फेक्शन। और प्लेटलेट कम है तो भाई दर्द वर्द की दवाएं बिल्कुल ना दें, क्योंकि प्लेटलेट और कम हो जाएंगी, कभी एस्पिरिन वेस्पिरिन खिला दें, लेकिन क्रोसिन तो भाई सेफ है, एनीवन कैन यूज़। ये हमारा लेक्चर था सल्मोनेला, हमने इसके अंदर डेफिनेशन डिस्कस की, मॉर्फोलॉजी डिस्कस की, डेफिनेशन मॉर्फोलॉजी शेप एंड साइज, और पैथोजेनेसिस हमने डिस्कस की, और इसके अलावा हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, डायग्नोसिस डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने ट्रीटमेंट डिस्कस किया। ये हमारा सल्मोनेला ख़त्म हो जाता है। सल्मोनेला बंगोरी पढ़ लेना इसी तरीके से, और इसी तरीके से और भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम एक दो बैक्टीरिया और पढ़ाएंगे, यही तरीका है, कोई सी भी बुक उठा करके आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं बैक्टीरिया का क्या कोर्स करता है। जैसे मैं एक छोटा सा सबको शॉर्ट बताऊँ, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे सल्मोनेला पढ़ रहे हैं, सल्मोनेला इज ए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दैट इज़ फ्लैजिलेटेड एंड ग्राम निगेटिव, और दैट इज़ पेरिट्राइगस, और इस तरीके से उसका शेप एंड साइज ये है, दैट इज कोज द टाइफॉइड एंड एंट्रीटाइटिस या एंट्रिका, दिस बिलोंग टू द एंट्रिक एंट्रियोबैक्टीरियसी फैमिली, इस तरीके से लिख दिया। मॉर्फोलॉजी का हेडिंग डाला, मॉर्फोलॉजी में उसका शेप एंड साइज लिख दिया, और उसका स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ड्रॉ कर दिया है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में हमने पैथोजेनेसिस डाली है कि फूड हमने खाया, उसके बाद कंटामिनेटेड वो इसोफेगस में गया, पेट में गया, उसके बाद हमने किस तरीके से अटैच हुए उसके फ्लैजिला जो पिलाई के थ्रू ने अटैच किया इंटेस्टाइन को, फिर अल्सरेशन की, किस तरीके से साइटोकिन रिलीज हुई, आंतों में सूजन हो गई, वो सब दिखा करके पैथोजेनेसिस में, उसके बाद में फिर क्लिनिकल फीचर्स में यानी सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ दिख रही है, वो सब हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद में डायग्नोसिस का हेडिंग डाल करके डायग्नोसिस में हम किस तरीके से ब्लड टेस्ट स्टूल टेस्ट और ये कल्चर वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद में ट्रीटमेंट डाल के, ऐसी तीनों हेडिंग्स के थ्रू हम इसको प्रॉपरली कवर कर सकते हैं, ऐसे सारे बैक्टीरियाज कवर हो जाते हैं, बस यही सब शॉर्ट में लिखना होता है। बैक्टीरियोलॉजी ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाएगी, 4-5 बैक्टीरिया और पढ़ा दूंगा, उसके बाद में हम फिर वायरोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।